भारतीय स्टार बल्लेबाज पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर नए संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली की एक अदालत ने गौतम गंभीर के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। यह मामला रियल एस्टेट से जुड़ा है। इस केस में गंभीर पर फ्रॉड करने का आरोप लगा है। बता दें कि गौतम गंभीर ने हाल में ही क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। वह रियल एस्टेट ग्रुप, रुद्रा बिल्डवेल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर थे। इसी कंपनी के निदेशक पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। कंपनी पर आरोप है कि गंभीर के नाम का फायदा उठाया है। इसी क्रम में खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसकी जांच गंभीर तक पहुंच गई है। कोर्ट ने गौतम गंभीर पर जमानती वारंट जारी कर दिया है।